अगर आपके भी बहुत जल्दी दाढ़ी आ चुकी है और आप उसको हटाना चाहते हो, आप बच्चे हो, स्कूल जाते हो, लोग आप पे कमेंट्स मारते हैं, ऐसी अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो मैं आपको ऐसी क्रीम बताने वाला हूँ दाढ़ी के बालों को हटाने के लिए, जो कि आपके दाढ़ी के बालों को ओनली 4 से 5 मिनट में हटा देगी। तो कौन सी क्रीम है, कैसे यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन उसका यूज़ कर सकता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बालों को लेकर परेशान है, जिसकी कम एज में दाढ़ी आ चुकी है, या फिर अगर वो गर्ल्स वुमेन्स है तो उनके फेस पर बाल आ चुके हैं, या फिर आपके पतले पतले बाल आ रहे हैं, आपको फेस पर बाल या फिर दाढ़ी पसंद ही नहीं है, आप चाहते हो कि यार मुझे इसको हटाना है, रिमूव करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। इसके लिए आपको हिंडर क्रीम का यूज़ करना चाहिए। ये हिंडर क्रीम आपके बालों को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर आप भी आपके फेस के बालों को रिमूव करना चाहते हो, दाढ़ी को हटाना चाहते हो, तो आप हिंडर क्रीम का यूज़ ज़रूर करें। पहली बात तो हम बात करते हैं, अगर आपको दाढ़ी पसंद नहीं है तो आप आपके दाढ़ी के बालों को काट सकते हैं, लेकिन काटने से वो और ज़्यादा ग्रोथ होंगे, और ज़्यादा आएंगे। इसके लिए आप हिंडर क्रीम का यूज़ करें। हिंडर क्रीम जैसे आप यूज़ करोगे तो आपके बाल निकल जाएंगे। अब इसको यूज़ करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले आपको आपके फेस को वॉश करना है किसी भी शैम्पू, साबुन, फेस वॉश, जो भी आप यूज़ करते हो रेगुलरली। फिर आप सूखे कपड़े से आपके फेस को साफ करें। जैसे ही आपका फेस सूख जाए वैसे ही आपको हिंडर क्रीम लेना है आपके हाथ पे, और जहाँ पर भी आपके दाढ़ी के बालों को आपको रिमूव करना है, फिर निकालना है, फिर हटाना है, वहाँ पर आप इसको लगाएं, अप्लाई करें और 1 से 2 मिनट तक मसाज करें, ताकि आपकी दाढ़ी के बालों की जड़ों तक पहुँचे। वहाँ से वो जड़ छोड़ देते बाल, फिर इसके बाद वो रिमूव होने लग जाते हैं। तो 1 से 2 मिनट तक मसाज करें। मसाज करने के बाद आप 1 से 2 घंटे आप ऐसे ही रहें, या फिर आप सो जाए, फिर 1-2 घंटे बाद आप जैसे ही आपके फेस को नॉर्मल पानी से या फिर शैम्पू साबुन फेस वॉश से वॉश करोगे, वैसे ही आपके दाढ़ी के बाल निकलने स्टार्ट हो जाएंगे या फिर निकल जाएंगे। ये आपको जब तक यूज़ करना है जब तक कि आपके दाढ़ी के पूरे बाल ना निकल जाए। कहीं कहीं बाल रह जाते हैं जहाँ पर कि वो क्रीम नहीं पहुँच पाती है, फिर आप उसको नेक्स्ट डे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपको पता चले कि आपके जो भी पूरे फेस के हेयर्स है, चाहे वो दाढ़ी हो, फेशियल हेयर्स हो, बेबी हेयर्स हो, जो कुछ भी हो, जैसे ही आपको पता चले कि वो निकल चुके हैं, इसके बाद आप इसको 1 हफ्ते में 1 बार यूज़ करना चालू कर दे। फिर आपको अगर थोड़ा इसमें नुकसान देखे, साइड इफेक्ट देखे, तो आप 1 महीने में 1 बार लगाना इसको स्टार्ट करें। इसकी प्राइस आपको 80-90-100 रुपये में आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, या पर अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो 180 या फिर आपको 190 तक मिल जाती है। बात इसकी साइड इफेक्ट की करते हैं, तो अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हो तो आपके फेस पर थोड़े से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपके फेस पर पिंपल्स आना, या फिर आपके फेस पर रेड रेड चकते हो जाना, या फिर आपका फेस रेड हो जाना, ऐसी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। बट ये किसी भी तरह की दाढ़ी को रिमूव कर सकती है, किसी भी एज वाले लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपकी एज कम है, ज़्यादा है, आप बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं। दाढ़ी जल्दी आना ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन दाढ़ी पसंद ही नहीं है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। तो हिंडर क्रीम का आप यूज़ करके मुझे बता सकते हैं, इसको लगाने का मैंने आपको तरीका बता दिया, प्राइस बता दी, सब कुछ। लेकिन अगर आपको इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिले तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उनसे बात करें कि यार मैंने हिंडर क्रीम का यूज़ किया है, उसके बाद ये साइड इफेक्ट हुए। इसमें थोड़ा सा केमिकल होता है, तो केमिकल बेस पे आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है, जो कि केमिकल को अफोर्ड नहीं कर सकती या फिर बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसकी कंडीशन में आपको थोड़े से नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो ये बिल्कुल आपको नुकसान नहीं करेगी। इसको आपको कंटिन्यू रोज़ यूज़ नहीं करना। अगर आप सोचें कि एवरीडे इसका यूज़ करें तो फिर आपको नुकसान ज़रूर उठाने पड़ सकते हैं। ये ओनली दाढ़ी के बालों को हटाने के लिए होती है। इसका यूज़ आप आँख में नहीं कर सकते, नाक में नहीं कर सकते, मुंह में नहीं कर सकते, कान में नहीं कर सकते, ये सिर्फ बाहरी हिस्सों के लिए होता है। अगर आप बॉडी पार्ट्स पर चाहो वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये क्रीम आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए, किसी भी होल से नहीं जाना चाहिए। अगर आप ये समझदार हो तो आप समझ सकते हो, सिर्फ बाहरी हिस्से के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो बेस्ट क्रीम है हेयर्स को रिमूव करने के लिए, खास करके दाढ़ी के बालों को हटाने के लिए, बहुत अच्छी क्रीम है। इसको आप 1 महीने में 1 बार भी अगर आप यूज़ करोगे तो जो आपके दाढ़ी के बाल आएंगे वो दोबारा रिमूव हो जाएंगे, फिर आएंगे, फिर रिमूव हो जाएंगे। ऐसे आप कंटिन्यूली यूज़ कर सकते हो 2 साल 5 साल 10 साल। ये आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर अवेलेबल होती है, चाहे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किसी पर भी जा सकते हैं, या फिर आपके पास के मेडिकल से आप परचेस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन।